सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। अगले 3 माह में शहर में 160 नई सिटी बसों का संचालन शुरू किया। ये बात बुधवार को अपने उद्बोधन में महापौर मालिनी गौड़ ने कही है। गौरतलब है कि इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रही कॉन्फ्रेंस में भारत व जापान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में 40 देशों के 300 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इनके अलावा भारत के 100 शहरों के विशेष प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। We have added 5 billion people on this earth, you know, in a short span of, I would say that, 88 years. At the same time, the urbanization is growing really very fast, more than the population growth, and largely it is in the developing regions. You see, since it is a conference relating to the Asia region, particularly Asia Pacific, Asia region was only 37% urban, but will be about 55% urban by the time it is 2030. That is the urban, you know, sustainable development goal period is over. शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में जल्द ही 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। नगर निगम ने इस संबंध में योजना तैयार कर ली है। इसके अलावा इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए 50 नई इंटरसिटी बसें, सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिवहन के लिए 100 नई बसें भी शुरू किए जाने की योजना है। साल 2030 तक शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लक्ष्य पर निगम काम कर रहा है। इस DG11 के दूसरे लक्ष्य में वर्ष 2030 तक सेफ, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल, एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर कार्य किया जाना है। इंदौर में हमने इजी एंड इकोनॉमिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। इंदौर में भी अभी 21 रूट पर 221 सिटी बस चल रही हैं। महिलाओं, दिव्यांगों, विद्यार्थी व वरिष्ठ नागरिकों को महापौर पास योजना के अंतर्गत रियायती मासिक पास बनाए जाते हैं। अमृत परियोजना से 160 सिटी बसें और अगले 3 माह में चलाई जाना है। साथ ही शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में पर्यावरण हितेशी 40 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जानी हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 50 बसें एवं पेरी अर्बन ट्रांसपोर्ट में 100 बसें चलाई जाएगी। इस प्रकार निकट भविष्य में 50 रूटों पर 421 सिटी बस एवं 150 इंटरसिटी बस इंदौर शहर में लोक परिवहन का कार्य करेगी। गुरुवार को कचरे के निपटारे, लोक परिवहन आदि सेक्टर के लिए संयुक्त घोषणा पत्र, जिसे इंदौर रिजोल्यूशन के नाम पर जारी किया गया। ये घोषणा पत्र वर्ष 2030 तक विभिन्न देशों में घूमेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन का लक्ष्य 2030 तक इस क्षेत्र में काम करना है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अपनी आवश्यकता की सब्जियां अपने घर पर ही उगाना चाहिए। जापान में ये चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। टोक्यो के प्रतिनिधि ने बताया कि वहां हर घर से निकले अपशिष्ट पदार्थों के जरिए सब्जियां उगाने का प्रयोग शुरू किया गया था, जो कि काफी सफल रहा है। इसमें छोटे छोटे बक्सों में किचन गार्डन तैयार किया जाता है। इसी गार्डन में लोग आवश्यकता अनुसार सब्जियां उगाते हैं।